संसद के दोनों सदनों में आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने और फिर उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कांग्रेस ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोल रही है, विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अदानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर संसद में गतिरोध पहले से जारी है। कांग्रेस ने आज सुबह 10:30 बजे संसद में अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में सभी सांसदों की बैठक होगी, जिसमें संसद में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने अपने सांसदों को काले कपड़ों में आने के लिए कहा है। इससे पहले 27 मार्च को कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने राहुल की सदस्यता खत्म करने के विरोध में काले कपड़ों में संसद से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला था, जिसमें खड़गे के अलावा सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी।